हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह बात करेंगे आज टाइगर श्रॉफ के अपकमिंग मूवी गणपत के बारे में। तेरे गांव का खड़ा नहीं, यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। डरता है ना, तब अपन बहुत मारता है। खत्म हुआ दर्शकों का लंबा इंतजार। इस दिन रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की कीर्ति सनन स्टार फिल्म गणपत। टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए क्रिसमस गिफ्ट होगी इनकी अपकमिंग एक्शन मूवी गणपत। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में टाइगर के साथ कीर्ति सेनन भी नजर आएंगी। गणपत साल 2022 के मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और इस फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है। ये फिल्म विकास बहल के निर्देशन में बन रही है, जिसमें टाइगर जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन ठीक एक साल पहले अब टाइगर साहब ने इस फिल्म का प्रमोशन पोस्टर जारी किया था, जिसमें टाइगर का एक्शन एक बार फिर फैंस का दिल जीत रहा है। टाइगर श्रॉफ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी भी दी गई है। मोशन पोस्टर के मुताबिक फिल्म अगले साल 23 दिसंबर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 45 सेकेंड के इस मोशन पोस्टर में टाइगर बैड फ्लिप मारते दिख रहे हैं। इस दौरान उनके बैकग्राउंड में वक्रतुंड महाकाय बज रहा है, जो इस वीडियो को और पावरफुल बनाने का काम कर रहा है। टाइगर श्रॉफ ने शनिवार 21 अगस्त टाइगर श्रॉफ ने अगस्त के एक वीडियो ट्वीट कर रिलीज की जानकारी दी। लिखा है कि उसकी हटेगी तो सबकी फटेगी, आरेला गणपत तैयार रहना। गणपत सिनेमाघरों में 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। गणपत के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी हैं। पूजा इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा भी एक्शन के साथ हुई है। खास बात यह है कि मेकर्स ने पहले ही ये बता दिया कि फिल्म दो पार्ट में बनी है, यानी 23 दिसंबर 2022 को गणपत पार्ट वन रिलीज हो रही है। मेकर्स और टाइगर श्रॉफ ने जो वीडियो शेयर किया है उसके अंत में लिखा है गणपत पार्ट वन। सिनेमाघरों में 23 दिसंबर 2022 के दिन टाइगर श्रॉफ के ने कू पर भी रिलीज डेट के लेकर पोस्ट किया है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए कीर्ति सनन को फाइनल किया गया है, जिसमें वो भी एक्शन करती दिखाई देंगी। टाइगर और कीर्ति की जोड़ी पहले ही हीरोपंती में नजर आ चुकी है और दोनों को ऑन स्क्रीन काफ़ी पसंद भी किया गया है था। फिल्म में उनके किरदार का नाम भी रिवील हो चुका है, जो जस्सी नाम की लड़की का रोल प्ले करेंगी। टाइगर की ये बैक टू बैक एक्शन मूवी है। इससे पहले उनकी बागी 2 बागी 3 हीरोपंती रिलीज मुन्ना माइकल रिलीज हुई थी। इनका धमाकेदार एक्शन देखने को मिला था। तो दोस्तों, ये रही मेरी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको और भी जानकारी लाता रहूँगा रिव्यू के बारे में। धन्यवाद।